वेलकम बैक टू सैफीज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बथुए के पतौड़े। लाल मिर्च की चटनी के लिए 10 से 15 सूखी हुई लाल मिर्च, एक लहसुन, एक चम्मच जीरा और नमक ले लेंगे। पतौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए 2 गड्डी बथुआ, 2 चम्मच लाल मिर्च की चटनी, 2 कप बेसन, 1 चम्मच गरम मसाला और नमक। अब बथुए में सारी चीज़ें डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक स्टिक पे बैटर को अच्छे से लगा लेंगे। एक कढ़ाई में पानी को बॉईल कर लिया। अब इसमें 10 से 15 मिनट के लिए पतौड़ों को स्टीम कर लेंगे। पतौड़े अच्छे से स्टीम हो गए, अब इन्हें स्लाइस में काट लेंगे। एक पैन में ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया, अब इसमें पतौड़ों को फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च की चटनी डाल लेंगे, 2 चम्मच टमाटो सॉस और 1 नींबू का रस। अब इन्हें 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बथुए के पतौड़े बनकर तैयार हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।